आज तो अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन, और उनके लिए मैंने एक खास कविता को चुना है। There is no culture in the world and no language where you will not find great poetry and literature, plays as well as films made on the father of our nation, Mahatma Gandhi. चुनना बहुत मुश्किल है, मगर मेरा एक प्रयत्न ये है दैट हम आज की पीढ़ी को हमारे हिंदी साहित्य से साझा कराएं। इसीलिए मैंने दोबारा दुष्यंत कुमार की ही एक बहुत ही खूबसूरत कविता को चुना है, वेरी पावरफुल, जो कि गांधी जी के हत्या के बाद लिखी गई थी। कविता का शीर्षक ही है गांधी जी के जन्मदिन पर। तो कवि कहते हैं कि मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, उचटती निगाहों की भीड़ में, अभावों के बीच, लोगों की क्षत विक्षत पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ाते हुए पांवों को कंधा दूंगा, गिरे हुए पदमर्जित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। इस समूह में इन अनगिनत अनचीनी आवाजों में कितना दर्द है कोई नहीं सुनता, इस समूह में इन अनगिनत अनचीनी आवाजों में कैसा दर्द है कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने, मैं ये चाहूंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो मैं खोज लाऊंगा, कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खो खींच, जहां भी हो उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा, कातरता चुप्पी और चीखे या हारे हुओं की खींच, जहां भी हो उन्हें प्यार के सितार पे बजाऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर इसी जगह आऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनुलंब्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं, तो क्या मैं इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। तुम मुझे दोषी ठहराओ, तुम मुझे दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, तुम मुझे दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा, भले इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, भले ही इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम, उनके योगदान और उनके बलिदान को भारतवर्ष का हर इंसान सदियों तक याद रखे। नमन।